नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल रिक्रूटमेंट अड्डा में स्वागत करता हूं। अभी जो राउरकेला स्टील प्लांट की जो रिसेंटली वैकेंसी आई हुई है उसका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं, ताकि आपको रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना हो सके और आप जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको पहले से प्रिपेयर करके रख सकें। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग वैकेंसी में जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके बारे में जानकारी लेंगे, साथ ही साथ में क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज रिलैक्सेशन, मोड ऑफ सिलेक्शन और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लास्ट में आपको बताया जाएगा, ताकि उस डॉक्यूमेंट्स को आपको संभाल के रखना है ताकि आपको रिक्रूटमेंट में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो सके। आइए फ्रेंड्स, हम चलते हैं जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर उसके। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था इसमें एग्जीक्यूटिव के 8 पोस्ट निकले हुए हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव में भी अलग अलग ट्रेड है, जैसे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर का है, माइनिंग फोरमैन का है 24 पोस्ट, सर्वेयर का 5 है, माइनिंग मेट का 55, फायर ऑपरेटर ट्रेनी का 25, फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइव का 36, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन 30 है। इसके साथ साथ में ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी जिसमें अलग अलग ब्रांच के लिए ये पोस्ट दिए हुए हैं, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन इसके लिए ट्रेनी के लिए ACT जो कि S1 में ज्वाइन करते हैं उसके लिए दिया हुआ है पोस्ट। आपको इसमें मैं इम्पोर्टेंट बात यही बताना चाहूँगा कि अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास और कास्ट से बिलोंग करते हैं, चाहे वो SSC ST OBC या EWS कैटेगरी का हो, तो इसके लिए आपको ध्यान ये देना है कि आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आप चौथे नंबर कॉलम में देख सकते हैं कि OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड EWS कैंडिडेट, इन दोनों को ही कास्ट सर्टिफिकेट और EWS वालों को इनकम एंड असेस्ड सर्टिफिकेट, ये जो भी देंगे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे वो 1/4/2022 मतलब 2022 के मार्च के बाद 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इसके पहले जो बोकारो दुर्गापुर में वैकेंसी निकली हुई थी उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स इसी के कारण कट गए, क्योंकि उनका कास्ट सर्टिफिकेट जब वो स्किल टेस्ट में गए तो जो कास्ट सर्टिफिकेट दे रहे थे वे कास्ट सर्टिफिकेट जो है दिए हुए डेट जब रिक्रूटमेंट्स निकला था जो डेट दिया हुआ था उसके बाद का ना होकर उसके पहले का था, या फिर जो टाइम पीरियड दिया हुआ था उसके बाद का था। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप जल्द से जल्द अपना सर्टिफिकेट 1/4/2022 के बाद का बना लीजिए, अगर आपके पास है तो ठीक है, और नहीं तो फॉर्म अप्लाई कीजिए और आपको लग रहा है कि आपका रिटर्न निकल जाएगा तो आप इस पर विशेष ध्यान दें। ठीक उसी प्रकार से अगर आप PWD कैंडिडेट्स हैं तो इसमें ध्यान रखें कि आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो अपना डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ होना चाहिए, 40% से ज़्यादा है तभी आप PWD कैटेगरी में हैं। अगर आपका 39% डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को PWD के अंतर्गत में फिल नहीं कर सकते। ये हम देखते हैं कि क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस जनरली सिर्फ एक ही पोस्ट जो असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी का निकला है उसके लिए मंगा हुआ है, और साथ ही साथ में एक जो माइनिंग फोरमैन है इन सब के लिए भी है। आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो 30/9/2022 क्वालिफिकेशन का भी और साथ ही साथ में एक्सपीरियंस का भी, ये जो सर्टिफिकेट है वो 30/9/2022 के पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। पहले क्या होता था कि जैसे सेल की वैकेंसी निकलती थी तो इस प्रकार का कोई डेडलाइन नहीं देता था, जिसके कारण क्या होते थे कि जो भी जैसे डिप्लोमा कोई कर रहा है 6th सेमेस्टर में है, वैकेंसी आ गया, अभी रिजल्ट नहीं निकला है, लेकिन वे फील कर देते थे और जब तक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता था स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट इसमें क्या 5-6 महीने का समय लग जाता है, तब तक क्या होता था कि इनका रिजल्ट भी आ जाता था और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सब मिल जाते थे दिए हुए डेट के बाद भी, तो वो भी
वैलिड हो जाता था, चल जाता था, लेकिन इस वैकेंसी में आपको क्लियर कट दे दिया है कि आपका क्वालिफिकेशन और साथ ही साथ में जिस जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मंगा हुआ है वो 30/9/2022 को कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप 30/9/2022 के बाद का क्वालिफिकेशन दिखाएंगे और एक्सपीरियंस दिखाएंगे तो वो वैलिड नहीं होता, वो आपको स्किल टेस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और ये अब वहाँ पर स्किल टेस्ट जो लेंगे उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या कर रहे हैं, आपको आगे भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं, आपका कैंडिडेचर वहीं पर ख़त्म हो रहा है या फिर ये, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आगे हम देखते हैं एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन में भी अगर आप कास्ट वाले हैं, कास्ट सर्टिफिकेट का आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। उसी प्रकार से आपको PWD कैंडिडेट्स हैं तो उसमें भी आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एक चीज़ और फ्रेंड्स, अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं तो भी आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो ITI में ज्वाइन किए हैं वो अब चाह रहे हैं कि OCT में अपना पोस्ट बढ़ाएं तो वो भी अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए ये बेनिफिट रहता है कि उनको डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं तो उनका एज लिमिट जो है 45 ईयर्स तक दिया रहता है। यहाँ पे ये मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई कैंडिडेट्स ITI भी कर लिया है और डिप्लोमा भी कर लिया है तो वे चाहे तो दोनों ही पोस्ट के लिए भर सकता है, बशर्ते ये कि अगर एग्ज़ाम एक ही दिन पड़ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, और अगर अलग अलग दिन पड़ेगा तो दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं। वो ACT में ज्वाइन कर लिए, आगे जाके अगर फिर डिप्लोमा का कोई वैकेंसी निकल रहा है तो उनका जाहिर सी बात है एज रिलैक्सेशन बढ़ गया। जैसे इस वैकेंसी में दिया हुआ है कि अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं तो आपका मैक्सिमम एज 45 ईयर्स तक होना चाहिए, तो वे कभी भी अपना ACT से OCT में जा सकते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। आगे देखते हैं हम लोग मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में यही बोलूँगा कि राउरकेला स्टील प्लांट का जो पिछला वैकेंसी आया था उसमें जो है माइनस मार्किंग नहीं था, तो ये माइनस मार्किंग है या नहीं है ये आपको जब एडमिट कार्ड आएगा उसमें पता चलेगा। अभी आप इतना मान के चलिए कि माइनस मार्किंग होगा, ये चीज़ लेके तैयारी कीजिए ताकि अगर उस समय माइनस मार्किंग नहीं रहेगा तो आपको बेनिफिट होगा। एक चीज़ और फ्रेंड्स, जो भी अटेंडेंट कम टेक्नीशियन हैवी मेंटेनेंस व्हीकल और फायरमैन कम फायर इंजन के हैं तो इनके लिए जो है टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल क्वेश्चन 20 रहेगा, बाकी जनरल एप्टीट्यूड 80 रहेगा। बाकी जितने भी पोस्ट हैं चाहे वो E1 ग्रेड के लिए एग्जीक्यूटिव का हो, OCT का हो, ACT का हो, या फिर बॉयलर ऑपरेटर का हो, या फिर माइनिंग फोरमैन का हो, उसमें 50 टेक्निकल आएंगे और 50 नॉन टेक्निकल, तो आपको बराबर का तैयारी करना है। साथ ही साथ में जो सिलेक्शन का रेशियो रहता है स्किल टेस्ट के लिए वो 1:3 रहता है, और ये जो है हर पोस्ट के लिए अलग अलग निकलता है। जैसे अगर 30 पोस्ट निकला हुआ है किसी ब्रांच में, इसी का ही लेके चलते हैं अपन, और इसमें SC का 5 है, ठीक है, तो इस 5 पोस्ट के लिए टोटल SC कैंडिडेट्स कितने, 15 जो क्वालिफाई किए रहेंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। एक चीज़ और फ्रेंड्स, ये जो सिलेक्शन हो रहा है और आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग जैसे 50 मार्क्स का हो रहा है टेक्निकल, 50 मार्क्स का नॉन टेक्निकल, 100 मार्क्स का है, तो इसमें आपको अगर जनरल हैं तो 50% लाना अनिवार्य है। अब ये जब जो स्किल एडमिट कार्ड का आएगा उसमें आपको ये दिया रहता है कि ये 50% में आपको टेक्निकल नॉलेज और नॉन टेक्निकल, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को मिला के रहता है, या फिर सिर्फ आपको 50% लाना है 100 में से, चाहे वो नॉन टेक्निकल से 20 क्वेश्चन 50 में से 25 लाना है, आप 20 उसमें से ला लिए, उसमें से 30 ला लिए तो भी क्वालिफाई हो जाएंगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आपका जो फाइनल सिलेक्शन रहता है उसमें जो है ये नॉन टेक्निकल जो एग्ज़ाम अभी हो रहा है इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि इसका वेटेज जो है 80% रहता है, 80% वेटेज आपका ये रिटर्न एग्जामिनेशन का होता है, बाकी 20% वेटेज जो है आपका इंटरव्यू स्किल टेस्ट ये सब का रहता है, तो आप रिटर्न एग्जामिनेशन में अच्छे से तैयारी कीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो और बड़ा होते जा रहा है, इसलिए अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए होगा तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको और बताऊंगा। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो छूट रहे हैं, अगर आपको ज़रूरत होगा बस ध्यान दीजिएगा आप कि आप जो भी है ये नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। अन्यथा बहुत बार होता है कि कैंडिडेट्स लास्ट स्टेज में जाकर और सेलेक्ट नहीं होते हैं, किसी डॉक्यूमेंट्स के कारण कट जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। साथ ही साथ में डेट का ध्यान रखिएगा, आप लोग को डेट जो दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट डेट्स दो है, 6 और 30/9/2022 को इसका लास्ट डेट है। ये फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट एक छूट गया था, आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आप जो भी आपका
एजुकेशन है वो डिस्टेंस मोड, करेस्पॉन्डिंग या फिर ऑफ कैंपस नहीं होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी ये बात कि आप जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसका एप्लीकेशन फ़ी का रजिस्ट्रेशन स्लिप, एप्लीकेशन फॉर्म, ईमेल का रिसिप्ट, ये सभी को जो है संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये जो है आपका स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट जो भी होगा उस समय मंगाया जाता है। तो मैं तो इसके लिए आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट का सबका फ़ोटो वोटो खींच के और आप किसी मेल में सेव करके रख लें, ताकि वो आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अगर कुछ गलती हुआ हो तो उसके लिए सॉरी।